तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास है जियो की तरफ से आने वाला जियो का एयर फाइबर डिवाइस, और यहाँ पर देख सकते हो कि दिखने में कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आपको ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसकी स्पीड देख सकते हो भाई साहब, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps तक आपको यहाँ पर जो 5G स्पीड आपको इसमें देखने को मिलेगी, बिकॉज इसमें जो है 5G की सिम लगती है। तो यहाँ पर स्पीड की कोई भी दिक्कत नहीं, आपको स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो गाइस फाइनली बहुत इंतजार करने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो के एयर फाइबर डिवाइस के बारे में। इस वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इसी डिवाइस के बारे में, कि किस तरह का ये डिवाइस होने वाला है, कैसे कनेक्शन होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, कैसी स्पीड वगैरह मिलती है, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो गाइस जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास टोटल में दो बॉक्सेस है, एक यहाँ पे जो जियो एयरफाइबर का राउटर है वो है, इसी के साथ आपको यहाँ पे एक सेट टॉप बॉक्स भी देखने को मिलता है। हाँ अगर आप टीवी वगैरह देखना चाहते हो तो इस कनेक्शन के साथ आप यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स भी ले सकते हो, और सेट टॉप बॉक्स से टीवी में कनेक्ट करके जो है वो टीवी वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है, लाइव टीवी चैनल्स वगैरह। तो यहाँ पर टोटल में आपको तीन बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, एक जो आपको राउटर एक्सटेंडर होगा वो देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर आपको आउटडोर यूनिट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह से जियो का फाइबर है, जैसे देख तो ये जियो फाइबर का राउटर है, इसी तरह से एक बॉक्स देखने को मिलता है जो कि आपके घर के छत में या फिर जहां से भी सिग्नल अच्छा आ रहा होगा वहां पे लगाया जाता है, और इसके अंदर एक 5G सिम लगती है, और उसी सिम से आपको यहां पर जो वो नेटवर्क मिलता है 5G नेटवर्क मिलता है। तो ये जो जियो का एयर फाइबर है वो 5G नेटवर्क के ऊपर काम करता है, इसी कारण से जो स्पीड इसकी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस तरह का आपको एक यहाँ पे आउटडोर यूनिट देखने को मिलने वाला है जो कि आपके घर के बाहर में जो वो सेट होगा, और उसी से जो है आपका पूरा जो कनेक्शन होगा जियो एयर फाइबर का वो काम करेगा। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ही लेते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको करते हैं साइड में, और जो हमारा मेन राउटर है, जो मेन एक्सटेंडर है, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो अनबॉक्स करते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आपको जो डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर जो है इसके पीछे देखिए कि कौन कौन से पोर्ट्स आपको अगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक यहाँ पे पावर के लिए पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB के लिए देखने को मिलता है, एक LAN पोर्ट देखने को मिलता है, और एक यहाँ पे WAN पोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसी में जो है इंटरनेट आएगा, जो आपका आउटडोर यूनिट होगा ना वो यहाँ पर इस ब्लू वाले जो यहाँ पर LAN पोर्ट है वहाँ पर लगेगा, और उसी से जो है इंटरनेट आएगा। और यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी SSID और पासवर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप चेंज भी कर सकते हो इसके यहाँ पे जियो होम ऐप से। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एक WPS का बटन भी देखने को मिल जाता है इसके ऊपर में, और ये जो है वो एयर वेंट्स है, बिकॉज ये डिवाइस काफ़ी गर्म हो जाता है तो इसको कूल करने के लिए यहाँ पे जो एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिससे गर्म हवा जो होती है वो इसके अंदर से बाहर आएगी। और यहाँ पे मेन में आपको जो है एक जियो का लोगो देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे बात करें सेट टॉप बॉक्स की, तो सेट टॉप बॉक्स आपका जो नॉर्मल जियो फाइबर के साथ मिलता है वही वाला सेट टॉप बॉक्स आपको इसमें भी देखने को मिलता है, सब कुछ सेम है, वही चीज़ है, बस आप इसको जो है वो किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप जियो फाइबर के साथ चाहे जियो एयर फाइबर के साथ, इसको बस यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स भी साथ में ले सकते हो एयर फाइबर के कनेक्शन के साथ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो रिलायंस जियो ने एक्चुअली दो वर्जन के यहाँ पे जियो एयर फाइबर अनाउंस किए थे। सबसे पहला जो यहाँ पे एयर फाइबर था, आप देख सकते हो उन्होंने अपने चैनल पे जो उसका ऑफिशियल चैनल है रिलायंस जियो का, उस पर ये वीडियो भी अपलोड करी थी, एंड देन उसके कुछ मंथ बाद, कुछ महीने बाद उन्होंने एक और यहाँ पे वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे इस वाले एयर फाइबर के बारे में बताया था, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होने वाला है। अब ये दोनों ही एयर फाइबर का डिज़ाइन आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है, बिल्कुल यहाँ पे चेंज है। तो इन पे डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो यहाँ पे जियो एयर फाइबर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास है, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे इस वाले एयर फाइबर को आपको आपके घर में फिक्स करके रखना होगा, मतलब इसको आप कहीं ले नहीं जा सकते, ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं होने वाला है, इसको आपको घर में फिक्स रखना होगा। एक आउटडोर यूनिट दिया जाएगा जिसको कि आपको अपने छत पे लगाना होगा, एंड देन उसके बाद वहां से एक वायर आएगी और ये जो है आपके घर में काम करेगा, 5G नेटवर्क के ऊपर काम करने वाला है, इसमें एक 5G सिम लगेगी। उसके बाद जो यहां पे दूसरा वाला एयर फाइबर था उसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो वो एक अलग ही टाइप का डिवाइस होने वाला है, इससे बिल्कुल ही यहां पे डिफरेंट होने वाला है, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, वो पोर्टेबल डिवाइस होने वाला है, ठीक है, और इसमें भी एक सिम लगने वाली है, 5G आपको स्पीड इसमें मिलने वाली है बिकॉज इसमें 5G सिम लगेगी। और भी यहां पर कुछ
चीजें हैं, बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपके घर में जब जियो एयर फाइबर 5G का कनेक्शन लगेगा तो आपके आउटडोर यूनिट से कुछ इस तरह की एक लैन केबल बाहर आएगी, जो आपको इस वाले राउटर में जो ब्लू वाला पोर्ट है लैन का, उसमें आपको इसको इंसर्ट करना होगा, बिकॉज ये इंटरनेट का एक्चुअली यहाँ पे पोर्ट है। तो इसको इंसर्ट करने के बाद इस तरह की LED लाइट ब्लिंक होगी। अगर ब्लिंक हो रहा है दैट मीन्स सब कुछ कनेक्शन सही से हो चुका है, अब इसमें आपका इंटरनेट जरूर से चलेगा। इसके नीचे आपको इसकी SSID एंड इसके पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, जो आपको अपने फ़ोन में इंसर्ट करना होगा, देन उसके बाद ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़िलहाल मेरा जो यहाँ पे इंटरनेट है वो एयरटेल एक्सट्रीम 5G से कनेक्टेड है, और यहाँ पे मुझे इसको जियो के यहाँ पे एयर फाइबर से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पर 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही बैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैंने तो ऑलरेडी एक बार कनेक्ट करके रखा था, तो मैं इसको वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे राउटर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी कनेक्ट होने के बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको अपने फ़ोन में जियो की होम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो जियो की होम ऐप जो आती है वो आपको प्ले स्टोर से देखने को मिल जाएगी, तो प्ले स्टोर से आप उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा आपको इसको ओपन करना है, एंड यहाँ पे माई नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम है एडमिन एंड पासवर्ड है जियो सेंट्रम। उसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करके आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पे न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आएंगी। आपको SSID वगैरह आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया तो आपको उस पर नहीं जाना है, देन यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड वगैरह आपको काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। आप इसको चाहो तो एजेंट मोड पे भी चला सकते हो एंड कंट्रोलर मोड पे भी चला सकते हो, एंड यहाँ से आप नेटवर्किंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज़ें, ये जो ऑप्शन है आपको इस वाले ऐप के अंदर, जियो होम ऐप के अंदर देखने को मिल जाती है। तो राउटर में कुछ भी चेंजेस वगैरह आपको करना होगा तो जियो होम ऐप से जाके वो कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना होगा तो। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जो मेरा पुराना वाला वीडियो था जियो एयर फाइबर का, उसको मेरे को यहां पे प्राइवेट करना पड़ा कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जियो एयर फाइबर का प्राइस कितना होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अंदाजन यहाँ पे जो प्राइस होने वाला है वो 5,500 से लेके 6,000 तक का आपको प्राइस इसमें देखने को मिलने वाला है। वैसे ये कन्फर्म्ड प्राइस नहीं है, प्राइस बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बट ये जो प्राइस है फिलहाल यहाँ पर निकल कर आई है। तो अभी इसको परचेस किस तरह से करना है, किस तरह से इंस्टॉल करवाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जियो फाइबर इंस्टॉल कराते हैं, यहाँ पे बंदे आते हैं आपके घर में इंस्टॉल करने के लिए, वैसा ही इसमें भी होने वाला है। जो है बंदे आपके घर पे आएंगे और आपका ये जो जियो का एयर फाइबर है उसको सेटअप कर देंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जियो का आउटडोर यूनिट जो कि आपके घर के बाहर में लगेगा, फिर वहाँ से केबल आएगी, फिर जियो का जो एक्सटेंडर होगा उसमें केबल वगैरह जाएगी। तो ये सेटअप करने के लिए स्पेशल बंदे आएंगे जो कि आपके घर में सेटअप करके देंगे। अभी स्पीड्स वगैरह की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको जो है ऐसे 5G की सिम लगती है, दैट्स व्हाई यहां पे आपको 5G की स्पीड मिलेगी। 1 GPS तक का आपको यहां पे स्पीड देखने को मिलेगा, तो नो डाउट आपको स्पीड जो वो काफी अच्छी मिलने वाली है इस वाले एयर फाइबर डिवाइस में। अभी इसके प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे जियो फाइबर में क्या होता है कि आपको 3.3 TB का डेटा देखने को मिलता है, वो आप जब एग्जॉस्ट कर देते हो, जब खत्म कर देते हो, तो आपकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और स्लो स्पीड से आपका जो है इंटरनेट चलता है। तो वैसे ही इसमें भी होने वाला है, आपको कुछ यहाँ पे लिमिट मिलेगा, उस लिमिट को आप खत्म कर दोगे, उसके बाद आपको जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी, देन आप फिर रिचार्ज करवाओगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से जियो फाइबर में प्लान्स होते हैं उसी तरह लगभग आपको जो है जियो एयर फाइबर के भी प्लान्स देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की कि कब ये लॉन्च होगा, क्या आपको इस साल ये जो है डिवाइस है वो देखने को मिलेगा, तो इस साल के एंड होने से पहले ही ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का जो मोटो है वो जो एम है वो 5G को सबसे पहले यहाँ पे रोल आउट करना है, बिकॉज 5G रोल आउट होगा देन उसके बाद ही आपका एयर फाइबर काम करेगा। तो सबसे पहले कंपनी का मोटो है 5G को रोल आउट करना है। एक बार पूरी तरह से 5G रोल आउट हो जाता है देन उसके बाद आपको जियो एयर फाइबर का भी डिवाइस लॉन्च होते हुए दिख जाएगा, देन उसके बाद आप जो है अपने घर पर जियो का एयर फाइबर इंस्टॉल करवा पाओगे। तो यहाँ पर जियो के एयर फाइबर के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बट यहाँ पे एयरटेल भी अपना एयर फाइबर लाने जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को वॉच करो, एंड अगर आप जियो फाइबर यूज करते हो उसमें 1 मंथ का फ्री में रिचार्ज करवाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को वॉच करो। वैसे जियो एयर फाइबर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।